हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न वाली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। इसमें भी हमको ए और एन दे रखा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, एन। तो हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे एपी दे रखा है फ्रेंड्स हमको, तो एपी हमारा क्या है, 7, 13, 19 और एन हमारा 205 है फ्रेंड्स। तो आप दे सकते हो कि ए की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 7। डी की वैल्यू क्या है, 82 - 7, 13 - 7, डी की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। और एन की वैल्यू है फ्रेंड्स हमारे पास 205। तो हम फ्रेंड्स इसमें एन वाला फार्मूला लगा देंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन हमको कितना दे रखा फ्रेंड्स, 205। ए की वैल्यू है हमारे पास 7, एन की वैल्यू पता नहीं है और डी की वैल्यू हमको 6 दे रखी, 205 7 + 6 एन माइनस 6। अब फ्रेंड्स देखो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, कभी गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। इसको पास में लिख लो चाहो तो। ये 1 इधर आ जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा ये 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 204 इधर ये इंटू में है, इधर आके फ्रेंड्स डिवाइड में हो जाएगा, 6 × 6 = 18, 6 × 6 = 24। तो जो हमारी एन की वैल्यू आएगी वो 34। अतः इस एपी में 34 पद होंगे, ये हमारा आंसर है फ्रेंड्स। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी बना रखा फ्रेंड्स, ऐसे ही मैथ्स के सवाल इजी तरीके से करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।